नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश पांडे सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे ये सुर संध्या कार्यक्रम प्रति सप्ताह आपको विभिन्न प्रकार के गायक, गायिकाओं और संगीतकारों से भेंट कराता रहता है और उनकी आवाज आप तक पहुंचाता रहता है। तो आज हमारे सुर संध्या कार्यक्रम के जो गेस्ट हैं, उनका नाम है बीके रमेश भाई। भाई जी 31 वर्षों से ज्ञान में हैं, साथ ही 30 साल से मधुबन में सेवा दे रहे हैं। फिलहाल ये पीस म्यूजिक टीवी में सेवा देते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार आकाश भाई। नमस्कार। कैसा लग रहा है एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आके? बहुत सुंदर, बहुत खूब, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय संस्था और ईश्वरीय जगह बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में जब हम खुद पहुंच जाते हैं तो एक मन में एक रूहानियत अपने आप आ जाती है। और इस वातावरण को और उद्देशित करता है आपका संगीत। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा सुर संध्या का प्रोग्राम है जिसमें हमारे सारी टीम काम करते हैं, तो उन सबका भी संकल्प, वाइब्रेशन और हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं इतनी रूहानियत से, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है जो ईश्वर से मन को जोड़ता है, अध्यात्म की ओर ले चलता है। जी, जैसा कि हमारे संस्था के मुख्य प्रशासिका थी दादी प्रकाशमणि जी, आज न जाने क्यों उनकी बड़ी याद आ रही है। तो अगर आपके पास आपके जो संगीत कोष में कुछ ऐसा गाना हो जो उनके साथ हमारी याद को और जोड़ दे तो सुना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि भाई दादी प्रकाशमणि जी आपको आज याद आ रही है, हमें रोज याद आते हैं क्योंकि हम उनकी पालना में बड़े हुए हैं, उनकी शिक्षाओं, उनकी नजदीकपन का जो एहसास, रूहानियत का वो अनुभव हमने किया है। और उनके लिए बहुत सारे गाने मैंने लिखे हैं, लेकिन कुछ गाने आज मैं आपके कहने के अनुसार सुनाऊंगा। वो है कि दादी आपको हम भूल नहीं सकते हैं, कि आपकी जो अमर कथाएं, अमर शिक्षाएं और अमर पालना वो सदा ही संसार के लिए तो है ही, लेकिन हमारे दिल में भी सदा रहेगा। और सत्य जो है वो कभी मरता नहीं है। बिल्कुल। हमेशा जो सत्य की जो नींव है वो एक बार अगर रख दी जाए तो उसका वो कभी घटेगा नहीं, ना वो जगह पे स्थित होगा, उसका प्रचलन बढ़ता रहेगा, उपज उसकी बढ़ती रहेगी। दादी कहती थी मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोली। तो इस सत्यता के बारे में, दादी सत्यता की मूरत थी जिनके कारण आज संसार में, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश परमात्मा का फैला हुआ है। पूरे विश्व में संस्था को आगे ले जाने का कार्य दादी जी ने बहुत बखूबी निभाया और संस्था की एक बहुत अहम प्रशासिका रही, बहुत अहम बागडोर संभाली। तो आइए उनकी यादों का एक गाना सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। सारे जग की शान हो, हम बच्चों की जान हो। चुकी जान हो ये बादियाँ, ये सारा मधुबन याद करता सदाए तुम्हें, याद करता सदाए तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। We'll be right back.
देना सम्मान लेना, दुआएं देना दुआएं लेना, मीठी मीठी शिक्षाएं देख प्यार पालना हम पे लुटाना। अनी फरिश्ता तुम साओ दादी, जीवन तुम्हारा कहता हमें, ये वादियाँ ये सारा मधुबन याद करता सदाए तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते तुम्हें। बनके फरिश्ता ओ मीठी दादी, अब भी हमारे साथ हो, दिल की यही है तमन्ना हर पल तुमसे मुलाकात हो। मुस्कान तुम्हारी रूबर पाए, दिल से याद करते तुम्हें, ये वादियाँ ये सारा मधुबन याद करता सदाए तुम्हें। दादी मीठी दादी हमारी, भूल नहीं सकते 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 तुम्हें। इस गाने के जैसे बोल हैं वैसे ही काफी लोगों के, काफी अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के विचार भी हैं, क्योंकि मधुबन कहें, पांडव भवन कहें, ज्ञान सरोवर कहें, इन जगहों में कहीं कहीं दादी की आज भी यादें मौजूद हैं। जैसे प्रकाश स्तंभ कहें, अगर हम वहां जाते हैं तो खाली स्मरण भर से क्या है कि हमारे जो दूषित विचार हैं वो दूर हो जाते हैं, समस्याओं का हल मिल जाता है। अगर सच्चे दिल से संकल्प भी करते हैं तो वो पूरे भी हो जाते हैं जी। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके जेई मेंस की तैयारी थी, तो घर में तो कुछ उसका माहौल मिलता नहीं था और बाबा रूम तो ऐसे ही भरा रहता था, तो प्रकाश स्तंभ एक खाली जगह थी, वो आराम से वहां जाता था, रात को प्रिपरेशन करके आ जाता था। 82th रैंक लगा था उसका जी मेंस, तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो खैर हम भी ट्राई करें। प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं, सिद्धि स्तंभ भी कह सकते हैं। हाँ अच्छा, इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो आप जब ये गीत लिखते हैं तो आपके मन में स्मरण किस चीज का रहता है? तो पहले आप स्मरण किस चीज का रहता है, या कौन सा समय आपके लिए परिपूर्ण है, मतलब इस गाने को लिखने के लिए? दादी के लिए जब हम लिखना शुरू करते हैं तो दादी की सबसे पहले उनकी चेहरा सामने आ जाती है, वो मुस्कान वाली रूहानियत, शक्ति भरी चेहरा जो सचमुच हमें निरंतर प्रेरणा दे रही है। तो एक तो उनके चेहरा और उनके गुण और उनकी क्वालिटी, क्योंकि हमने संग संग उनके रहे पालना। सबसे पहले मधुबन में बहुत थोड़े से लोग रहते थे, ज्ञानसूर था नहीं उस समय, तो दादी से रोज हर पल मुलाकात होती थी, क्योंकि आसपास आंगन में घूमना ये करना। और मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मेरा नृत्य कला
मैंने प्रस्तुत किया था जी जी, जिसके कारण मैं बहुत फेमस हो गया था और दादी का फेवरेट डांसर था मैं। जो भी प्रोग्राम होता था मधुबन में, पहला मेरा डांस होगा, बाद में जो प्रोग्राम होगा, फिर बाद में मधुरवाणी ग्रुप का गाना होता था। तो कहने की बात है, मैं उस समय इतना मशहूर हो गया था, 93 की बात है। तो दादी की पालना और उसके बाद प्यार और उसके बाद शिक्षाएं, कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना, वो सारे जो अनुभव हम किए हैं, जब हम गाने में लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वही बातें आ जाती हैं। और कौन सा समय संगीत लिखने के लिए परिपूर्ण है आपके हिसाब से? 24 घंटे। आपके मन में जब भी भाव निकले वो शब्द, मैं बताऊं, जब मैं गाना लिखना शुरू किया, रात को 2 बजे मेरे संकल्प स्वप्न में लाइन आते थे, मैं उठ के लिख के फिर सोता था। मना वो कहने की बात है, समय इसके लिए ऐसे कोई, जब आपके दिल के अंदर भाव निकले और लिख दो वो। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है कि मतलब चलते फिरते उठते बैठते भाव आ गया, काम पे लग जाओ। ये कार्य की एक बहुत बड़ी अहम बात है कि कार्य भी कर्म भी, अध्यात्म के साथ साथ आपका कर्म भी बहुत जरूरी है। एक बात अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं बताऊंगा, जब उन्होंने गाना लिखना शुरू किया, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, तो वो हिमालय पर्वत पर एकांत में जाके बैठ के लिखते थे। एकांत बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं, भीड़ में रहते हुए, देह में रहते हुए, संस्कारों में, परिवार में रहते हुए, अपने आप को आत्मा समझो, तो हम अपने आप को सिमट सकते हैं, जो शक्ति हमारे बिखरी हुई है। क्योंकि परमात्मा जब हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, तो हम अपनी शक्तियों को समेट कर वहां एकांत का, कहीं भी किसी जगह पर एकांत का अनुभव कर सकते हैं और उस समय हम लिख सकते हैं। और एक आध्यात्मिक पुरुष की, एक आध्यात्म से जुड़े हुए पुरुष की या एक मनुष्य की यही पहचान होती है कि आप जितना स्थिर बुद्धि हो, जितना शीतल मन हो, गीता का एक श्लोक भी है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत सुप्र वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यति, जिसका स्थिर बुद्धि है, जो संयम है, जिसको भय नहीं है, जिसको सुख और दुख एक समान है, वो सिद्ध पुरुष कहलाता है। और यही सिद्ध पुरुष एक सफल आदमी की काबिलियत होती है। बिल्कुल, वो हमने दादी में देखा, जो अपने का सिद्ध पुरुष, जो सत्यता, जो एकाग्रता जीवन में चाहिए, दादी की पालना, प्यार, वो तो माँ ऐसी थी कि संसार की, पूरी पूरे संसार की हर आत्मा की माँ थी, इस प्रकार रूहानी माँ जिसको कहेंगे। तो रूहानी माँ के लिए कोई दूसरा गाना आप बताना? यस बिल्कुल, दूसरा गाना, माँ तेरे आंचल का सुख इतना निराला है, जो हमने कहीं नहीं पाया, वो प्रैक्टिकल में हमने मिला, हमें वो मिला है, तो वो गाना सुनाए। चलिए तो इस गाने को सुनते हैं, ट्रैक प्लीज। तेरे आंचल का सुख सबसे निराला है ओ माँ, तेरा स्नेह शीतल झरनों सा है ओ माँ, तेरे आंचल का सुख सबसे निराला है तेरा स्नेह शीतल झरनों सा है ओ माँ, तेरी वाणी अमृत छलकाए, तेरी पालना प्रभु से मिलाए, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी माँ, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी माँ, मम्मा ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा। Thank you.
जब जब देखूं मैं तुमको, मन फूलों सा मुस्काता है, दिव्यता की मीठी माँ, सारा जग तेरे गुण गाता है, तेरी महिमा सबसे न्यारी, ओ परम पिता की प्यारी है, दिव्य शक्ति भारी हो, सद्गुण से श्रृंगारी, जो पास तुम्हारे आए वो परम पिता को पाए, जो पास तुम्हारे आए वो परम पिता को पाए, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी माँ, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी मम्मा, ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा, मम्मा ओ मम्मा। मधुर वाणी की स्वर लहरी माँ की जिंदगानी है, ममता की ओ मूरत माँ, तेरी सबसे अनोखी कहानी है माँ, तुम सा जग में न कोई है, ज्ञान बिना बजाई तेरी महिमा सबने गाई, तेरी करुण कृपा जो पाई, प्रभु पिता को किया सका देकर ज्ञान का उपहार, प्रभु पिता को किया सका देकर ज्ञान का उपहार, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी माँ, वरदानी जग कल्याणी सबकी रूहानी माँ, मम्मा ओ मम्मा, 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 मम्मा ओ मम्मा। मम्मा ओ मम्मा सबकी कल्याणी माँ। मैं बताऊं मम्मा जो हमारी यज्ञ की यज्ञ माता, तो दादी यज्ञ माँ से भी कम नहीं है, क्योंकि मम्मा जो थी लक्ष्मी जगदम्बा सरस्वती, जो ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में उनको चुना और यज्ञ को इतना आगे ले आए, लेकिन विशाल वृक्ष बनाने वाली वो भी मम्मा, दादी माँ जो है उनको भी हम प्यार से मम्मा दादी कह सकते हैं, क्योंकि माँ है सबकी पालना करने वाली। तो दादी प्रकाश मणि जो जिनके प्रकाश से पूरे संसार आज जगमगा रहा है आध्यात्मिकता से। क्या बात है, आपकी एक लाइन थी कि जो मम्मा दादी जो आपको पाया उसने भगवान को पाया। देखिए ऐसे ही कुछ लाइन श्रीमद् भागवत गीता में कही है कि उसके अंदर सुखदेव जी को कोई पूछता है कि महाराज इतने सारे भगवान हैं, इतनी सारी तकनीकें हैं, तो कौन सी विधि हम अपनाएं जो प्रभु से हमारा मिलन हो सके, ऐसी कौन सी विधि अपना है? तो कहते हैं कि जो तुम्हारे इष्ट, जो तुम्हारे ऋषि, जो तुम्हारे पूर्वज जिस राह पे चले तुम उस राह पे चल लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा है कि डगमगा के चलने से अच्छा एक कोना पकड़ ले तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। वैसे ही शिक्षा है, ज्यादा इधर उधर भागेंगे तो दिमाग भी इधर उधर हो जाएगा, एक सीध पकड़ लो सीधा वहां तक पहुंच जाओ। ऐसी दादी प्रकाश मणि की शिक्षाएं थी कि जो सही सत्य और सटीक बात कहने की जो आदत दादी की वो बहुत सबसे लोकप्रिय थी और इसी ने यज्ञ को महायज्ञ बनाया। कदम पर कदम रख के चलना, हाँ। जैसे परमात्मा की ये महावाक्य जो है हमें शिक्षा देती है कि भाई ब्रह्मा बाबा ने जो पूरा फॉलो किया ज्ञान को, अगर उनकी कदम पर चलें, और दादी प्रकाशमणि जी ने वही किया, और उनको भी अगर हम फॉलो करते हैं सचमुच एक कर्मातीत अवस्था, जो फरिश्ता स्वरूप, जो अंतिम स्टेज है, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी प्यार पालना
दिल में नहीं पूरा धड़कनों में हर सांसों में समाई हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रभु से अगर तुम्हें सही में मिलना है तो अपना अंग अंग प्रभु को दे दो। मेरे दादाजी कहते थे कि तुम लाओ स्टेथोस्कोप से मेरा हार्ट चेक करो, अगर बीट बज गई तो कहना, क्योंकि मैंने दिल तो अपना दिलाराम को दे रखा है। तो आइए तीसरा गाना आप कौन सा हमें सुनाने वाले हैं भाई? दादी के बारे में कि माँ तेरी रहमत जो परमात्मा ने बरसाया हमारे ऊपर प्यार, जो ब्रह्मा बाबा की करुणा और जो दादी माँ की रहमत हम पर बरस रही है, उन्हीं शब्दों उन्हीं भाव को लेकर मैं आज दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। तो चलिए आइए ये भाई जी के द्वारा गाया हुआ तीसरा गाना, इन सारे गानों को कंपोज किया है हमारे आदरणीय सुधीर पाल जी ने, जो बहुत ही बड़े कंपोजर हैं, म्यूजिशियन भी हैं, उड़ीसा में अभी फिलहाल रहते हैं। बिल्कुल, इसके बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सुधीर पाल जी जो है हम उनको बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से दिलो जान से आज यज्ञ में 500 से अधिक म्यूजिक कंपोजिंग, उससे भी ज्यादा कंपोजिंग किए हैं। तो उनकी धुन के तरानों से हर एक के मन परमात्मा की ओर लग जाता है, इसलिए उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस गाने को सुनते हैं, ट्रैक प्लीज। मेरी धड़कन की सरगम हो, मेरे मन का मधुर मधुबन हो, मेरी धड़कन की सरगम हो, मेरे मन का मधुर मधुबन हो। वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ, वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ, ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। तेरी पालना सबसे निराली इस जग में सदा अमर है, तेरी पालना सबसे निराली इस जग में सदा अमर है। प्रभु की याद पल पल दिलाती हर मन में वो असर है, मेरे बोल में माँ तुम हो, मेरे नैनों में माँ तुम हो। वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ, वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ, ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। मम्मा
दिव्य गुणों की तुम हो भंडारी माँ सरस्वती जगदम्बे। है दिव्य गुणों की तुम हो भंडारी माँ सरस्वती जगदम्बे। है पुकारती ये सारी दुनिया कहे महालक्ष्मी माँ अम्बे। मेरी यादों में हर दम हो माँ तुम ही तो हम दम हो। वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ। वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भासिनी माँ। ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी मीठी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। मम्मा वीणा वादिनी सिंह वाहिनी मधुर भाषिनी माँ। आपके संगीत से खैर हम तो जानते हैं कि हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी कैसी हैं, उनकी शिक्षाएं कैसी है, लेकिन दर्शक जो संगीत को सुन रहे हैं वो इन शब्दों से ही अपने आप में आभास कर सकते हैं कि दादी प्रकाश मणि की शिक्षाएं कितनी उच्च थी, वो खुद कितनी शक्तिशाली थी, खुद कितनी दिव्य थी। जो दिव्यतुल्य, जो देवतुल्य, जो उनका जो स्वभाव था, जो फरिश्ता तुल्य उनका स्वभाव था, और साथ ही अपने लाखों हजारों करोड़ों फरिश्ताओं को रखने का, संभालने का, इस पूरे मधुबन को चलाने का जो स्वभाव था वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये जो है, जो भी इतनी शक्ति है, जो इतनी दिव्यता है, जो इतना फरिश्ता स्वरूप है, ये किसी मनुष्य रूपी बुद्धि में तो नहीं आ सकता। ये उसी बुद्धि में आ सकता है जिसपे स्वयं परमात्मा की छत्र छाया हो। बिल्कुल, मैंने बार बार शब्दों को दोहराया मम्मा, क्योंकि मम्मा और दादी दोनों यज्ञ में इस तरीके से पालना और प्यार दिया आत्माओं को कि आज भी आत्मा, हर एक आत्मा जिन्होंने पालना ली और जो ले रहे हैं साकार रूप में, हमने तो मम्मा को देखा नहीं, लेकिन जो दादी को हमने देखा, उन्होंने मम्मा की जो पालना ली प्रैक्टिकल में, वो सबूत उनके चेहरे पे, उनकी झलक, उनकी प्रैक्टिकल, वो प्रेरणा भरी बातें हमें मिली है। और मम्मा और दादी में हम कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि ये मेरी दिल की भाव है, अपना पर्सनल अनुभव है कि सचमुच मम्मा की पालना जो उन्होंने ली और जो काबिलियत अपने आप को बनाया, और वही खूबी हमने देखा दादी को। मैं तो खैर उस वक्त बहुत छोटा था, तो शायद एक बार दादी से मिला होऊंगा, घर पे बताते थे, लेकिन जो सुनने में आया है, जो तस्वीरों में देखा है कि दादी के जो चेहरे से जो तेज निकलता था, जो ललाट पे जो चमक थी, उससे अगर कोई नेगेटिव विचार लेकर भी सामने आए तो वो भी पॉजिटिव हो जाता था। सच मुझे एक बात मैं अनुभव कहना चाहूंगा, इसे दादी से हम मिलने जाते थे, कई प्रकार बातें होती थी, तो जब भी हम दादी के पास जाते थे हमारे मन के प्रश्न हम भूल जाते थे। दादी मुस्कुराए, सब ठीक हो, हाँ जी दादी, बस इतना ही कह के आ जाते थे। हम क्या बोलना था वो भी भूल जाते थे, कहने की बात, इतना अच्छा अनुभव ये प्रैक्टिकल में मुझे नहीं हर आत्मा को होती थी। इसमें एक लाइन में कहना चाहूंगा, वो बहुत अच्छी तरीके से याद आते हैं, वो जितना प्यार हमको दिया है दादी ने, तो फूल खिलते हैं गुलशन में, प्यार मिलता है मधुबन में, और सचमुच योग लगाकर देखो तो दादी मिलेंगे वतन में। क्या बात है, क्योंकि तो, जो अव्यक्त फरिश्ता रूप दादी, वो हमें जो भी शक्तियां दी है वो सचमुच अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, दादी के अध्यात्म बड़े संगीत को सुनकर, आपके अनुभवों को सुनकर। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। साथ ही बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और एक बार फिर यहाँ का वातावरण आनंदमय कर दिया। दादी की स्मृति से सब हम मचल गए। हाँ, आनंद में हो गया, रूहानी हो गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के गेस्ट बीके रमेश भाई जी। हम हर सप्ताह आपके समक्ष ऐसे नए नए गायक गायिकाओं और संगीतकारों को लाते रहते हैं। इनसे आपका मनोरंजन भी होता है और इनकी आवाज भी आप तक पहुंचती है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।